हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोल्डी सिंह और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब के चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कलर फेस से वॉल हैंगिंग बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये देखने में वॉल हैंगिंग कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बहुत ही इजी है बनाना। सबसे पहले जो इसका सर्कल है ये और इसके फ्लावर, इस तरीके जो छोटे छोटे इसमें फ्लावर, स्टेप बाय स्टेप सब बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, इस वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने पहले से ही दो सर्कल में एक छोटा एक बड़ा ये काट करके रख लिया है। फ्रेंड्स, ये जो कार्टून वाले जो डब्बे होते हैं उस पर ये मैंने गोल सर्कल में निशान लगा करके काट के इस पर व्हाइट पेस्ट चिपका दिया है। पहले से ही हमने बना करके इसे रख लिया ताकि समय की बचत हो सके। अब हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए जो ये बड़ा वाला ये जो सर्कल बना हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे हम फेविक गम लगाएंगे। फेविक गम लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर ही हम इसे चिपका देंगे इस छोटे वाले को। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर जो ये पेज का ये कटा हुआ है इसके ऊपर फेविक गम लगा करके इसके ऊपर पूरा चिपकाएंगे। अब इसको मैंने कैसे काटा है मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, कई तरह के पेज लेकर के आप इसको ऐसे फोल्ड करके, फोल्ड करने के बाद इस पे हम ऐसे कट लगाएंगे। ऐसे पतले पतले कट लगाने के बाद थोड़ा सा बना के बता देती हूँ कैसे ये बनाया है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, फिर इसको हम इस तरीके से इसमें कट कर लेंगे। ऐसे ही मैंने कलर कलर पेज पे ऐसे कट करके इसमें एक में मिला करके रख लिया है हमने पहले से ही, आप देख सकते हैं फ्रेंड। अब इसको हम क्या करेंगे, इस जो वॉल हैंगिंग है इस पे हम पूरे पे फेविक गम लगाएंगे, इस पे चिपकाना है हमें, ये सब पे हम लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों पे ही मैंने ऐसे फेविक गम लगा करके ये इस पे चिपका दिया है। अब इसे चिपकाने के बाद हम इस तरीके से फ्लावर बनाएंगे, ये फ्लावर बना करके हम इस पे इस तरीके से लगाएंगे ऐसे। तो इसको मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले ये कैसे बनाया है, ये फ्लावर कैसे बनाया है, ये हम इस तरीके से पेज लिए हैं, पेज को मैं ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कटिंग करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, ये कट करने के बाद हम इसके पीछे साइड में ऐसे हल्का सा फेविक गम लगाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे ही फोल्ड कर देंगे हल्का सा। जो अब इसमें का जो ये फ्लावर बना है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये कैसे बना है अब मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये पेज लिया है, जो इसकी लंबाई जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और ये अपने आवश्यकता अनुसार लेंगे जितना बड़ा आपको फ्लावर बनाना है। फिर इसको हम ऐसे पतले पतले कट लगाएंगे इस तरीके से, पूरा ऐसे ही फोल्ड करेंगे इस तरीके से। जब पूरा फ्रेंड्स ये हमारा पूरा फ्लावर बनके तैयार होगा तो फिर हम ये क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, जब ये हमारा फिर यहाँ पे हल्का सा फेविक गम लगाएंगे, यहाँ नीचे लगाएंगे थोड़ा सा, और लगाने के बाद फिर इस फ्लावर को यहाँ पे ऐसे अंदर रखेंगे और यहाँ ऊपर से हल्का सा ऐसे दबा देंगे इस तरीके से। ऐसे ही हमने बहुत सारे, देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे पहले से बना के रख लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बनाया है हम। देखिए फ्रेंड्स, ये चिपकाने के बाद पूरा मैंने इस पे चिपकाने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख। देखिए फ्रेंड्स, अब इस फ्लावर को कैसे बनाएंगे आप देखिए। सबसे पहले ये तो थोड़ा बड़ा फ्लावर है, अब इसको हम छोटा बनाएंगे क्योंकि ये जो फ्लावर है हम एक यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ ऊपर लगाएंगे और एक यहाँ छोटे छोड़नी से यहाँ इसके नीचे लगाएंगे। तो ये जो बड़ा साइज वाला बन गया, अब हम छोटा साइज का बनाएंगे। इसे छोटा साइज का ये पेज हमने लिया और इसको हम यहाँ बीच से बराबर करके फोल्ड करने के बाद से फिर इसको हम एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसे एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे हम। ऐसे फोल्ड करने के बाद इस तरीके से अब इसको
इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम उसका छोटा साइज बना रहे हैं। अब हम इसको यहाँ से इसको कट करेंगे। पहले ऐसे ही हम इसको भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये हमने तीनों इस तरीके से और भी दो काट के रख लिए। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से हमने बीच से कट लगा दिए हैं, ये पूरा यहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक ये गोलाई है, यहाँ तक कट लगाने। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा अब यहाँ पे जो एक हिस्सा है, बस इसको हम एक इसके ऊपर रख करके ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे ऐसे ही हमें इसको करना है। इसमें तो हम एक कट करके निकाल देंगे, ऐसे हमें एक कट करके यहाँ से इस चीज को निकाल देना है, और इसमें से हमें दो कट करके निकाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, फिर इसको भी हमें ऐसे ही चिपकाना है, ऐसे करके ये उसके ऊपर हम ऐसा हल्का सा फेविकम लगाएंगे। इसके ऊपर हम ये रखेंगे, फिर इसको थोड़ा सा फेविक गम लगाएंगे और इसके ऊपर ये रखेंगे ऐसे। कट लगाना है सब में। देखिए फ्रेंड्स, चिपकाने के बाद मैंने सब भी पंखुड़ियों में ये अलग अलग हमने कट लगा दिए। कट लगाने के बाद जो ये छोटा वाला फोल्ड किए थे यहाँ से नीचे से कट करके, अब इसमें अंदर थोड़ा सा फेविक गम लगा करके फिर इसको भी हम यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे ये सब में। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारा ये बनके तैयार हो गया फ्लावर। अब हम इसको यहाँ इसके ऊपर चिपकाएंगे। इसमें बड़े वाले फ्लावर को हम इसमें हल्का सा फेविक गम लगाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, छोटे वाले पूरा वॉल हैंगिंग बनके तैयार हो गया है, और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और ये मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।